हेलो कोई है? वाह अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। मेरा तो वैसे भी बुरा हाल है बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग क्या है, उधर उठा था तो ऊपर गया, बोल रहे मम्मा के सिस्टर को लेने जाओ उसके घर से, तो अभी मैं उठाऊंगा। अभी गोविंद होया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे जाऊंगा, पहले चाचू को छोड़ूंगा फिर सिस्टर को ले जाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। रोड पे निकल आया हूँ लेकिन इतनी गर्मी, इतनी तपश, क्या बताऊँगा आप। सोचा यार 10-15 मिनट लगते हैं सिस्टर के घर जाने को, तो वैसे भी बोर होते जाना है, सोचा व्लॉग बना लूँ। व्लॉग तो कोई अपलोड करने वाला भी नहीं था, अकेला जा रहा हूँ ऊपर से। तो व्लॉग जा रहा हूँ सिस्टर को लेने, क्या बताऊँ, गर्मी में आँखें भी दर्द कर रही है, घर में सबसे छोटा हूँ इसलिए ना काम करने पड़ते हैं। तो आवाज़ बहुत कम आ रही है, वैसे कितना मुश्किल होता सबसे छोटा घर में होना, सभी काम करने पड़ते हैं। मुझे तो अभी का यार दर्द नहीं आता इतनी, तो मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि सिस्टर को क्यों लेने जा रहा हूँ। सिस्टर को इसलिए लेने जा रहा हूँ कि जो उसमें से बड़ी है ना सिस्टर, तबीयत ख़राब है, और भाभी अभी मम्मा घर गई हुई है, तो घर में मम्मा है, मैं हूँ, पापा और सिस्टर। तो सिस्टर की तबीयत ख़राब है, मम्मा तो काम कर नहीं सकती कोई, ना ही हम करवाते हैं मम्मा से, तो इसलिए सिस्टर को लेने जा रहा हूँ। वैसे एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि पास है, जब दिल करे सिस्टर को लेने ले जाऊँ। एक तो सिस्टर बहुत दूर है, जहाँ तो काफ़ी मिस करते हैं, पर सिस्टर के ब्लॉग आपने भी देखना है, आप मैं मिस कर रहा हूँ इस टाइम। तो कोई यार ट्रैफिक में बाद भी दर्द करने लगती है यार, बहुत मुश्किल है अकेले ब्लॉगिंग करना, ऊपर से बाइक ड्राइविंग और ऊपर से ब्लॉगिंग, काफ़ी मुश्किल है यार। फिर भी देख लो मैंने ब्लॉग बना दिया, फिर सिस्टर को कहूँगा रेडी हो घर चले। लो आ गया सिस्टर के घर। यार देखो किन्ने लगा था यार, मैं किन्ने लगा था। दरवाजा खोलो, मुमताज सेठ आया है, दरवाजा खोलो। हाय कैसी हो? हेलो। ओ यार शर्म आ रही से बेटा। दरवाजा खुल गया, देखते तो आ गया सिस्टर के घर, सिस्टर से मिलाता हूँ आपको। हेलो कोई है? वाह अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। मेरा तो वैसे भी बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। हाँ आप रेडी भी होगी? मम्मा ने कॉल की थी। हाँ पहले मैं चाचू को छोड़ने गया था। वो पानी कौन सा पीना है? जौन सा आप बनाएंगे? जूस पीना है, कॉफी, जो आपको अच्छा लगता है। चल मेरी बात सासू ने, मैं थोड़ा सा ना गुब्बा धो लूँ। फेस वॉश कर लिया है तो सिस्टर लेने दीजिए यार, मेरा स्टाइल देखो कैसा है। जैसा भी ठीक है, टावल कहाँ है? टावल नहीं, टिश्यू चलेंगे। एक और तो यार मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, मैं इतना सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं चप्पल भी अपने पापा की पहन के आती नहीं, चप्पल भी अपने पापा की पहन के आ गया, कितना सीधा लड़का हूँ। तो मैं आपको अपनी सिस्टर का कमरा दिखाता हूँ। देखिए मैं सिस्टर का रूम, तो अब प्यास लगी है, बुलाता हूँ सिस्टर जी जल्दी आ जाओ। बहना बहना यार मैं आपको ना एक मज़े वाली बात बताता हूँ, मेरे पास ना कोई पैसा नहीं है तकरीबन। मैं रास्ते में ना यही सोच रहा था कि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, ये देखें 10 फ़ोन मेरे पास 3 हैं,
पैसे थोड़े हैं, पैसे थोड़े हैं, फोन तीन तीन है तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो कैसा सीन होता, धूप में अकेला मुंडा पैदल। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। वाह यार, कोई भी मेरा फैन देखता के मुंडा जा रहा है। अच्छा जी, ओ जी थैंक यू। अब मैं जूस पी लो। शाबाश, ट्रेन हो आप तो, बहुत ज़्यादा ट्रेन हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पैसे कितने मेरे पास, 10। ये तो पीछे गया। डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन वो है, ऐसे नहीं फेंक दी, ये मेरा गोल पीछे का। ये देखें वो रास्ते रहे हो। हाँ। फोन तीन पैसा खत्म। आप जैसे लोग होते हैं जो हर किसी का ना अरमान ऐसे ही भिगा देते हैं, दस दिखा के कोई मेन निकालता नहीं होता। नहीं नहीं, वैसे भी तुम हो भी ऐसे। मैं सब ये देखो, मैंने बुबा भी आपके घर आके बताया, ठीक है, तो मैं पैसे पापा के पर बैठ के। चलो कोई बात, तो अब मैं कुछ भी लोग आपसे बातें करते हैं बाद में, ठीक है। ठीक है फिर अब चलते हैं, चले थोपगढ़ जाके। रास्ते में आपको कोई सीन हुआ तो दिखा देंगे, या रास्ते में बातें कर लेंगे सिस्टर के साथ। 15-20 मिनट लगते हैं, तो 15-20 मिनट क्यों ज़ाया करने में, बातें कर लेंगे। चलो अब चलते हैं। तो अभी इतनी गर्मी है तो आपको कोई फिक्र नहीं अपने भाई जाके, भाई को कुछ ठंडा रास्ते में ये ऐसे नहीं चलता ना। मैंने पूछा तो आप बताएं क्या खाना चाहती हो, इतनी गर्मी है, मैंने खाना नहीं है, कुछ पीना है ठंडा हो जाए। पैसे आप नहीं देने हैं, चलो देखते हैं कोई शॉप में भी हीराबी को टीका लगाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मुझे पता है शॉप है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं मुझे यहाँ का पता है, सभी पता है कहाँ शॉप है कहाँ नहीं। बट ये मिल गई नहीं, शॉप बंद है, खुली है। ले लेते हैं कुछ टीके लगाना है। चलो अभी अंदर चलते हैं, मैं एक मिनट बाइक है ना छाँव में लगा लूँ। आज तो नहीं बचती, आज तो टीका लगेगा तुम्हें। इतना कुछ नहीं लूँगा, बस एक छोटा सा जूस पी लूँगा, छोटा सा इतना सा। चलो चलो, कौन सा पीना है, देखते हैं। रानी जूस नहीं पी है, पूछ लो इनसे। अस्सलाम वालेकुम, रानी जूस है ऊपर पड़ा है मुझे नजर, वो देखो अंधा हूँ मैं। आपने लेना है तीन ले लेना। क्यों, वो भी ले लेगी चार लेगी। कमेटी निकली, कैसा लगा मेरा मजाक? कमेटी निकली, कितने लेनी है? चलो फिर मैं घर जाके पीऊँगा फिर। मैं भी ये पकड़ो, दो एक तीन, पिछले वाले ठंडे हैं ज़्यादा, पीछे से ठंडे हैं, चार थैंक यू, वेलकम। ठीक है तो मैंने लगा दिया आपको। टीका लगाना तो मुंथा से सीखें, मुंथा किसी को भी टीका लगा सकता है यार। ये आप छोड़ दें, मैं अपनी सिस्टर को भी नहीं छोड़ता हूँ। क्या देख रहे हैं भाई जान, क्या देख रहे हैं? उसकी जॉब भी कहाँ है मेरे पास। तो अब चलते हैं घर। तो हीरा आपी को मैंने टीका लगा दिया,
इसका क्या यार, वैसे टीका होता है ना, क्या होता है, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन और होता है, ये होता है टीका जो उसकी मैंने आपको, हाँ मैंने लगा दिया है। वैसे आपको क्या फील हो रहा है? बस ये फील हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। अच्छा मेरे साथ ही आ रहा है, ये तो बुरी बात है ना, फिर क्या हुआ भाई? नहीं मैं अच्छा मजाक करिए फिर ठीक यार। वैसे ये देखो अच्छा लगता है कमेटी ज्यादा ही बड़ी निकली है ना। अच्छा जी तो फिर घर जाके बात होती है, बहुत गर्मी है तो बाय बाय। तो घर आ गए हैं, फिर अभी दरवाजा खोलो, बाइक भी अंदर करूंगा। ऊपर तो चाची लोग सब आए हैं सिस्टर का पता करने, ऊपर व्लॉग नहीं बना सकता, व्लॉग के क्लिप, तो अभी रूम में आ गया, वहाँ बैठता हूँ, दरवाज़ा दरवाज़ा लॉक कर दिया है सब, अकेला बैठा हूँ, अकेला एंजॉय। तो जॉन सा टीका लगाया था, ये तो पी लूँ मैं, ये खोल लूँ या इतना ठंडा नहीं है, ऐसे फ्रीजर में रखता हूँ, बाद में पीऊँगा, इतना ठंडा नहीं, मज़ा ख़राब, ऐसे बर्बाद, ऊपर फ्रिज में रखता हूँ, बाद में पीता हूँ। तो एक छोटा सा व्लॉग था, तो छोटे से व्लॉग का एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं। ओ मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ये सूट ईद वाला पहना है, क्यों पहना था, कल था इमरान खान का जलसा, तो सोचा रेड हो जाएँ, जे अल्लाह इमरान खान का पीटीआई जिंदाबाद। तो अब ब्लॉग एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं, अल्लाह हाफिज़।